यह सांस्कृतिक कार्यक्रम ये आयोजित किया है संतोषी माँ जो यहाँ बहुत बड़ी साध्वी हैं उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है एक काफी दिनों से। आज का दिन मेरा कार्यक्रम है और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आज के दिन मैं मेरी जो गंगा जो डांस बैले है नृत्य नाटिका उसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ और गंगा के यहाँ गंगा के तट पर ही मुझे करने को मिल रहा है। ये इससे बड़ा सौभाग्य किसी कलाकार का और कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो बहुत ही अच्छा सा बहुत प्यार से हमने बनाया है ये गंगा और तो मुझे यहाँ के संत लोग रहने की जगह है। यहाँ पर गंगा के हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं। वहाँ आके करने में मुझे अच्छा भी लगता है साथ में थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि कुछ क्रिटिसाइज कोई कुछ न हो क्योंकि हमने बहुत यहाँ के संतों से पूछ कर ही सारा जो सीक्वेंस होना चाहिए शुरू में जो गंगा जी आती हैं धरती पर उतरती हैं वो सारा हमने डिस्कस करके किया है। ऐसे हम लोगों ने अपने आप में नहीं किया लेकिन आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने वर्षों से कितने युगों से गंगा जी बह रही है हमारे देश में और हमारा पूरा कर्तव्य है उसे कितना साफ सुथरा रखना लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं। वैसे हालत हमारी सारे नदियों का है तो ये मैसेज इस नृत्य नाटिका द्वारा हम देते हैं कि हमारे देश में जितने भी नदियां हैं उसे सब साफ रखना हमारा कर्तव्य है। यही मेन थीम होने वाली है गंगा की सफाई रखे। हाँ गंगा का साफ रखे क्योंकि हमें एक ये जो कलयुग को एक कैरेक्टर बनाया है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कली जो है एक एक व्यक्ति है वो कैसा डिस्ट्रॉय करता है। कलयुग में हम लोग हैं तो ये एक आकार दिया है हम लोगों ने तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। गंगा सस्ता कैंपेनिंग से पहले भी आप यहाँ पर जुड़े रही हैं पहले भी ब्रांड एंबेसडर रही हैं क्या कारण क्यों लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हर बार में आ जाते आपने यहाँ पर देखा होगा क्या कारण लगता है क्या कैसे जागरूक होंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। अभी इस टाइप का डांस मैं कर रही हूँ मैं एक आर्टिस्ट हूँ मैं एक फिल्म स्टार भी हूँ अभिनेत्री हूँ और साथ में एक नृत्यांगना होने की वजह से मैं ये सब थीम्स लेकर बनाती हूँ ताकि जागरूकता हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभिनेत्री हैं सब और कुछ नहीं करते हैं सिर्फ फिल्मों में उनका काम होता है उतना ही कर पाते हैं कि मेरे लिए एडवांटेज यह है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ परफॉर्मिंग आर्ट करती हूँ स्टेज पर हमेशा मेरा शो होता है तो मैंने ये थीम लिया है ताकि एक अच्छा सा मैसेज जाए लोगों को हमारे प्रशासन में भी जाए कि क्या करना चाहिए हम लोगों को गंगा को पवित्र रखने के लिए। मैम सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए इस वक्त। हाँ जी सरकार को भी ध्यान देना है सब दे रहे हैं हमारी सरकार तो काफी काम कर रही है लेकिन और भी करेंगे हम लोग मिलकर। नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।